शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने भावपूर्वक वंदन असीम उपकारी पूज्य गुरुदेव आप श्रीना श्री चरणों में भावपूर्वक वंदन सर्वरत्नाधिक मुनि भगवंतो भावपूर्वक वंदन हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती है सिचुएशंस आती है और सिचुएशंस चली भी जाती है पर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जो तक होती है कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जो तक होती अपॉर्चुनिटी होती है और जो व्यक्ति उस तक को रियलाइज कर लेता है वही व्यक्ति अपनी तकदीर को बदल देता है जो व्यक्ति अपने लाइफ में आने वाली सिचुएशन को तक मानता है वही व्यक्ति अपनी तकदीर को बदल सकता है पर अक्सर देखा गया है जब भी हमारी लाइफ में तक आती है हम उसे आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाते हैं पर हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं पर तक को कई बार हम तकलीफ भी मान लेते हैं आज जब इस युवा शिविर की शुरुआत हो रही है तो पर्वाधिराज पर्यूषण महापर्व नेक्स्ट वीक आने वाली एक जबरदस्त तक जो मेरी और आपकी लाइफ में मेरी और आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए आ रही है पर अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसे तक न मानकर कहीं ना कहीं इसे तकलीफ का कारण मान लेते हैं आज के इस सेशन में की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ कन्फेशन करना चाहता हूँ कि मैं जब आप सबके स्थान पर था जब मुझे गुरुदेव का योग और संयोग नहीं हुआ था तब जब भी हर साल पर्यूषण आता था तो पर्यूषण मुझे तक नहीं पर एज ए यंगस्टर पर्यूषण मुझे तकलीफ लगता था क्यों क्योंकि पर्यूषण में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाते थे बाहर नहीं जाना है फ्रेंड्स के साथ कहीं नहीं जाना है होटल में नहीं जाना है रोज पूरे साल रात को खाते थे पर पर्यूषण के आठ दिन शाम को ही कंपल्सरी खाना खा लेना है और इससे भी ज्यादा कंपल्सरी एवरीडे प्रतिकमण की आराधना करनी है तो ये सभी चीजों के कारण समझ न होने के कारण पर्यूषण भी कभी तकलीफ का कारण भी बन जाता है पर्यूषण भी कमियों में तकलीफ लगने लगता है पर गुरुदेव की कृपा से जब गुरुदेव का योग और संयोग हुआ समझ मिली उसे अप्लाई किया तब रियलाइज हुआ कि पर्यूषण एक ऐसी ज़बरदस्त तक है जिसे यदि यूटिलाइज़ किया जाए तो हमारी लाइफ में हमारे कमिंग लाइफ में कमिंग ईयर में इतने सारे चेंजेस हो जाते हैं इतने सारे पॉजिटिव चेंजेस हो जाते हैं जिसकी असर सिर्फ हमें ही नहीं पर हमारे आसपास में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन पर भी उसकी असर होने लगती है हम एक सोशल बीइंग है इसीलिए हम अकेले नहीं रहते हैं पर हम बहुत सारे लोगों के साथ में रहते हैं हमारा नेचर सिर्फ हमें ही असर नहीं करता है पर हमारा नेचर हम जिनके भी साथ में रहते हैं अनमोल भाई उन सबको भी हमारा नेचर अफेक्ट करता है कि नहीं करता है डेफिनेटली करता है और इसीलिए आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि पॉल्यूशन और पॉलूशन को किस प्रकार हम यूटिलाइज कर सके किस प्रकार उसे तक मानकर हमारी लाइफ में चेंज ला सके आप में से बहुत सारे यंगस्टर्स को पूछा जाए कि पर्यूषण आता है तब आप करते क्या है आपका स्केड्यूल क्या होता है आप क्या क्या प्रकार की आराधनाएं करते हैं क्या क्या करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम प्रवचन को सुनते हैं हार्दिक भाई आप कहेंगे कि हम हो सके तो उपवास की आराधना करते हैं हम रोज शाम को व्रतिक्रमण करने की ट्राई करते हैं चोवियार करने की आराधना करते हैं और इस प्रकार से पूरे ही दिन को हम धर्ममय बिताते हैं राइट एवरीबडी इस बात से एग्री करेंगे कि हम जब भी पर्यूषण आता है हर साल विक्रम भाई तो हम इसी प्रकार से हमारी लाइफ में हमारे स्कड्यूल को सेट करते हैं पर यदि आपको पूछा जाए कि ये जो स्केड्यूल है ये जो आराधना है इसके पीछे रीजन क्या है तो आप क्या कहेंगे क्या रीजन है आप कहेंगे बहुत सारे लोगों को मैंने जब ये रीजन पूछा तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे फैमिली में यह जब भी पर्यूषण आता है तो यही इसी प्रकार के सिस्टम्स को फॉलो करते हैं तो हम भी उस प्रकार के सिस्टम को फॉलो करते हैं होता है कि नहीं होता यह एक रीज़न होता है या नहीं होता है इससे भी आगे किसी और व्यक्ति ने कहा कि भगवान ने ये सब बताया है कि इस प्रकार से आराधना करनी चाहिए तो हम भी उसी प्रकार से करते हैं किसी ने कहा कि हम जैन हैं जैन फैमिली में हमारा बर्थ हुआ है तो पर्यूषण जैन लोगों का फेस्टिवल है तो डेफिनेटली हम जैन होने के कारण अक्षत भाई हम जैन होने के कारण हमें लगता है कि हमें भी इसी फेस्टिवल को इसी प्रकार से जैसे सब लोग सेलिब्रेट करते हैं वैसे हमें भी सेलिब्रेट करना चाहिए करते हैं कि नहीं कोई यदि हमें बाहर का व्यक्ति पूछे जिससे जो जैनिज्म को जानता नहीं है तो डेफिनेटली हम यही सारे रीजन्स कहेंगे पर यदि चेक करें तो ये सारे रीजन्स साइंटिफिक है या नहीं है आपका एक भी रीजन उसके पीछे साइंस है या नहीं है पर यदि कोई यंगस्टर को पूछा जाए तो उसके हर एक कार्य में हमेशा रीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए पर हमारी मिस्टेक यही हो जाती है कि हम रीजन को जानते नहीं हैं और यदि बहुत ही ध्यान से समझे, तो एक रोबोट जिसको हमने प्रोग्रामिंग किया वो रोबोट को क्या करना चाहिए वह हमें प्रोग्रामिंग करने की जरूरत पड़ती है उस रोबोट को रीज़न से वो एक्टिविटी करनी है इस रीज़न को जानने में रोबोट को कोई इंटरेस्ट होता ही नहीं है रोबोट को यदि हम रीज़न ना भी बताएं तो भी उसे जो भी एक्टिविटी समझाई जाए जो भी डेटा उसमें फीड किया जाए जो भी प्रोग्रामिंग उस रोबोट के अंदर किया जाए तो उसी प्रकार से एग्जैक्ट रूप में वह रोबोट एग्जीक्यूशन कर सकता है या नहीं कर सकता है डेफिनेटली कर सकता है तो हम भी जो पर्युशन की आराधना कर रहे हैं इसके लिए बहुत बार गुरुदेव एक स्टोरी कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति एक छोटा सा व्यक्ति और उसे जॉब मिली रेलवे डिपार्टमेंट में रेलवे में उसे जॉब मिली छोटे से विलेज के स्टेशन में और उसे स्टेशन मास्टर ने एक वर्क असाइन किया कि जब भी स्टेशन पर ट्रेन आए राजभाई जब भी स्टेशन पर ट्रेन आए तो उसे कहा गया कि आपको इंजन के पास जाना है उसे सिखाया गया कि हैमर लेकर हथौड़ी लेकर उस इंजन का जो व्हील होता है उस पर आपको एक बार ठोकना है ठीक है और उसको ड्राइवर को कहना आप जाने दो जब भी कोई ट्रेन आती है पूरे दिन में आठ दस ट्रेन आती थी वो व्यक्ति जैसे ही ट्रेन आती थी ट्रेन खड़ी रहती थी इंजन के पास जाता था एक बार ठोकता था ठोको ठीक है और जाने दो ठोको ठीक है और जाने दो ऐसे करते करते वह व्यक्ति बहुत ही सज्जन था वह अपने टास्क को बहुत ही अच्छी तरह से निभाता था टाइम टू टाइम कंप्लीट करता था और ऐसे करते 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 लगभग तीस साल बीत गए और तीस साल बीतने के बाद वह व्यक्ति का रिटायरमेंट हुआ जिस दिन रिटायरमेंट हुआ वह व्यक्ति ने सबके साथ बहुत ही अच्छे व्यवहार किए थे सबके साथ बहुत ही अनुकूल व्यवहार किया था और सभी लोग उसके काम से उसकी सेवा से बहुत ही प्रसन्न थे और इसीलिए सब ने मिलकर एक फेयरवेल प्रोग्राम का आयोजन किया सब ने उसके गुणग्राम गाए जो मैनेजर था उसने भी कहा कि मैंने पहले दिन इसको जो टास्क सिखाया था ठोको ठीक है और जाने दो वह टास्क को इसने बहुत ही अच्छी तरह से निभाया एक भी दिन चूके बिना इसने वह टास्क को निभाया और जब सब कुछ ख़त्म हो गया वो व्यक्ति को पूछा कि आपको कुछ भाव प्रकट करने हैं आपको कुछ बताना तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे कुछ कहना है वह व्यक्ति ने सबका आधार माना और उसके बाद उसने कहा कि मुझे एक प्रश्न है पहले दिन सर आपने मुझे जो टास्क दिया था आपने मुझे जो कार्य सौंपा था ये ठोको ठीके और जाने दो बेसिकली ये ठोको ठीके और जाने दो ये मुझे करना क्यों था क्यों मुझे आपने ये काम बताया था ये मुझे आज तक समझ में ही नहीं आया है तो आप मुझे बता पाएंगे कि आपने मुझे ये टास्क दिया क्यों था अब सोचिए जो व्यक्ति ने तीस साल तक एक ही कार्य किया और उस तीस साल में यश भाई उसने एक बार भी ये रीजन को जानने का प्रयत्न नहीं किया कि ये ठोको ठीक है और जाने दो होता क्या है बस एग्जैक्टली exactly वैसी ही मिस्टेक हम हमारी लाइफ में हमें जैन धर्म मिलने के बाद पर्यूषण की आराधना मिलने के बाद पर्यूषण को भी आओ करो और जाने दो आओ करो और जाने दो जैसे ठोको ठीक है जाने दो वैसे हमारे अंदर भी पर्यूषण भी आता है हम कुछ आराधना करते हैं और वापस जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं और इसीलिए जो रोबोट होता है वो कभी रीजन को जानता नहीं है पर जो ह्यूमन होता है वो हमेशा रीजन को जानकर ही उसका कार्य करता है जो यूथ होता है वो किसी भी कार्य को करते वक्त रीजन के साथ ही उस कार्य को करता है करता है कि नहीं करता है तो आप भी क्या आपने पर्यूषण को रोबोटिक पर्यूषण बनाना चाहते हैं कि आप आपके पर्यूषण को रियल पर्यूशन बनाना चाहते हैं प्रथम भाई क्या करना चाहते हैं क्या आप आपके पर्यूषण को रोबोटिक जैसा हर साल हर बार होता है रिपीट बस पर्यूषण आया सब लोग जैसा करते हैं वैसा हम भी करने लगे और फिर पर्यूशन चला जाए वैसे वापस हम हमारी नॉर्मल लाइफ में चले जाए क्या ये रिपीट रोबोटिक पर्यूषण करना चाहते हैं कि हम इस पर्यूषण में कुछ चेंज लाकर रियल पर्यूषण का अनुभव करना चाहते हैं यदि हम पर्यूषण को रियल पर्यूषण बनाना चाहें तो सबसे पहले हमें जितनी भी आराधनाएं हैं उसके रीजन को जानना पड़ेगा जैसे हम रीजन को जानते हैं हम रीजन को जानते ही तुरंत ही हमें पता चल जाता है कि इस आराधना को इस एक्टिविटी को किस प्रकार से राइट वे में हम कर सकते हैं हम रीजन नहीं जानते हैं इसलिए उस एक्टिविटी को राइट वे में नहीं करते हैं जैसे अभी तक यदि आप गुरुदेव को नहीं मिले हो और यदि आपको नमस्कार मंत्र आता भी हो तो आप नमस्कार मंत्र नॉर्मली बोलते हैं पर जैसे ही गुरुदेव के शिविर में आपने सुना कि मंत्र की आराधना कंठ से नहीं पर नाभि से होनी चाहिए जैसे ही आपको यह रीजन पता चला तो रीजन पता चलते ही आपका जो उसको करने का जो अप्रोच था वो अप्रोच भी राइट हो गया और राइट अप्रोच होने के कारण ही हम रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं जिसमें है जिस हम रिजल्ट तक न पहुंच पाए तो वो रोबोटिक हो जाता है और जिसमें जो आराधना करने के बाद हम रिजल्ट तक पहुंच जाए तो ही वह रियल प्र्यूषण होता है क्यों क्योंकि आराधना ये सिर्फ करने के लिए नहीं होती है आराधना वह रिजल्ट तक पहुंचने के लिए होती है आराधना सिर्फ करने के लिए एग्जीक्यूशन के लिए नहीं होती है पर आराधना यदि रिजल्ट आए तो आराधना सार्थक है और यदि रिजल्ट ना आए तो कितने ही पर्यूषण आए और कितने ही पर्यूषण जाए हम जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं तो पर्यूषण ये पर्यूषण हमारी लाइफ में किस प्रकार से असर करता है यदि आपको कोई पूछे तो आप कहेंगे कि पर्यूषण से हमारी आत्मा की शुद्धि और विशुद्धि होती है डेफिनेटली यह स्पिरिचुअल वे में हमारी आत्मा की शुद्धि विशुद्धि होती ही है पर उसे यदि हम हमारी डे टू डे लाइफ में फील करना चाहें तो हम कैसे अनुभव कर सकते हैं कि हमने पर्यूषण की आराधना की और हमने उसको फील किया और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे जैसे हम पर्यूषण की आराधना करते हैं भगवान महावीर स्वामी एक जबरदस्त सर्वज्ञ थे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और केवल ज्ञान में पराग भाई जगत के जितने भी सीक्रेट्स हैं जगत की जितने भी रियलिटीज़ हैं जितने भी वास्तविकताएं हैं वह वा सारी की सारी वास्तविकताएं उस केवल ज्ञान में अनुभव में आती है और भगवान महावीर स्वामी ने यदि परयूषण की आराधना बताई है भगवान महावीर स्वामी ने यदि ये सारी की सारी आराधनाएं बताई है यदि संवत्सरी का प्रतिक्रमण बताया है तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स होंगे पर हम उस रीजन को आज तक हमने जान का कभी प्रयत्न नहीं, नहीं किया है और इसीलिए आज के सेशन में पर्यूषण की आराधनाएं किस प्रकार से हमें अनुभव में आ सकती है किस प्रकार से वह हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे माइंड को हमारे ब्रेन को हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को किस प्रकार से असर करती है क्योंकि जैसे ही आत्मा में चेंज आता है उसका रिफ्लेक्शन तुरंत ही हमारी बॉडी में महसूस होना शुरू हो जाता है और इसीलिए आज के सेशन को थोड़ा अलग रूप से एक साइंटिफिक वे में हर एक पर्यूषण की आराधनाओं को उससे हमारे बॉडी पे क्या क्या चेंजेस आते हैं इसको हम जानने और डिस्कस करने का प्रयत्न करेंगे इस सेशन को आगे बढ़ाएं उसके पहले मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों ने इस अप्रोच से इस रीजन से पर्यूषण की आराधना की है कि पर्यूशन की आराधना जितनी भी आराधनाएं हैं वो मेरे अंदर में क्या क्या चेंज लाती किसने लोग कितने लोगों ने इन चीज़ का अनुभव किया है वो प्लीज़ अपने फिंगर को रेज करेंगे ओके okay. और कितने लोगों ने अनुभव नहीं किया है बस एक रूटीन की तरह जब भी पर्यूशन आते हैं और हम पर्यूशन कर लेते हैं ओके okay. राइट right. तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पर्यूषण की जितनी भी आराधनाएं हैं वह आराधना की असर हमारे मन पर होती है सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मन क्या क्या टास्क करता है आपकी यदि लाइफ को देखें तो हमारी पूरी लाइफ को यदि हम एकदम डीपली एनालाइज करें तो मन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यदि आपको कोई नया कार्य करना है यदि आपको आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको एक यूनिक आइडिया की जरूरत पड़ेगी वो आइडिया को सोचना वो आइडिया का क्रिएशन वो क्रिएटिविटी कहाँ से प्रकट होती है तो आपका आंसर होगा मन से ही प्रकट होती है यदि आपको आपकी लाइफ में कोई टास्क को एग्जीक्यूट करना है तो उसको एग्जीक्यूशन के पहले उसका प्लानिंग करना पड़ेगा तो पूरा का पूरा प्लानिंग मुलराज भाई आप आपकी ऑफिस में कोई भी टास्क करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा प्लानिंग किसके आधार पर करते हैं डेफिनेटली हम मन के ही आधार पर करते हैं इससे भी आगे किसी भी कार्य को करने से पहले हम उस कार्य को विजुलाइज़ करते हैं हम उस कार्य को इमेजिन करते हैं जिग्नेश भाई राइट हम उस कार्य को करने से पहले उस कार्य को हमारे मन में ही कल्पना करते हैं इमेजिनेशन करते हैं और ये इमेजिनेशन का टास्क भी कौन करता है हमारा मन ही करता है इससे भी आगे जितने भी एनालिसिस जितने भी कैलकुलेशंस वो सारे के सारे कार्य हमारे मन ही करता है और उससे भी ज़्यादा आप यदि आपके कॉलेज में हैं और आप जो स्टडी कर रहे हैं जिस फील्ड में भी हैं यदि आप मेरे प्रवचन को भी सुन रहे हैं तो इस प्रवचन को सुनकर याद रखने का यानी कि मेमोरी स्टोरेज वो कार्य भी हमारा मन ही करता है तो इतने सारे कार्य किसी कार्य में हमें कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है तो वो कार्य भी हमारा मन ही करता है तो हमारा मन जो है वह सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी का ऑर्गन होता है हमारा किडनी हमारे हार्ट उससे भी इंपॉर्टेंट हमारा मन होता है क्योंकि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स और उन ऑर्गन्स की जितनी भी सिस्टम्स का फंक्शनिंग होता है उसका पूरा कंट्रोलिंग भी कौन करता है हमारा मन ही करता है तो हमारे मन का हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है यदि हमारा मन प्रॉपर है यदि हमारा मन राइट right डिसीजन को ले पाता है यदि हमारा मन राइट right प्लानिंग कर पाता है यदि हमारा मन एक यूनिक आइडिया को निकाल पाता है यदि हमारा मन हर एक सिचुएशन में पॉजिटिव रह पाता है तो डेफिनेटली हम हमारी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे और यदि हमारा मन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है तो डेफिनेटली हम हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमें फेलियर का सामना भी करना पड़ सकता है इसीलिए कहवत हो गई है मन के जीते जीत है और मन के हारे हार यदि कोई व्यक्ति कितना ही बॉडी से वीक है पर यदि उसका मन स्ट्रांग है तो वो व्यक्ति कोई भी वॉर में जीत सकता है और यदि कोई व्यक्ति बॉडी से कितना ही स्ट्रांग है पर यदि उसके मन को वीक कर दो तो उस भयंकर से भयंकर शत्रु को भी कोई व्यक्ति आराम से हरा सकता है और इसीलिए आज बहुत सारे कंट्रीज़ इस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं कि जब भी वॉर हो तो किस प्रकार से हम सामने वाले व्यक्ति के मन को वीक कर दें सामने वाले कंट्री के सोल्जर्स को उनके मन को कैसे वीक कर दें जिसके कारण वो सोल्जर के साथ लड़ना ना पड़े पर बिना लड़े ही हम युद्ध को जीत सकें और इसीलिए हमारे मन को स्ट्रांग बनाना ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य हो जाता है जब ही हम लाइफ में रह रहे हैं तो हमारे मन को किस प्रकार से स्ट्रांग बनाएं इसके लिए हम इस सेशन में जानेंगे इस, ये सेशन में किस प्रकार से हम मन को स्ट्रांग बनाएं इसको जानने से पहले पहले हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारा मन उसका लेवल क्या है हमारे मन की हेल्थ कैसी है हमारा मन कितना केपेबल है तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा जिससे आप सब एनालाइज कर पाएंगे कि आपका मन किस लेवल पर है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सबको कहा जाए कि आपको 15 मिनट्स के लिए अपनी आईज़ को क्लोज कर देना है किसी के साथ बात नहीं करनी है कोई आवाज को सुनना नहीं है और 15 मिनट के लिए अपने मन में कोई भी विचार न आए वैसे थॉटलेस स्टेट का अनुभव करना है जितने लोग जितने लोगों का मन ये करने के लिए पॉसिबल है जितने लोगों से यह हो पाएगा वो अपने एक उंगली को रेज करेंगे और जितने लोगों से 15 मिनट्स के लिए अपने माइंड को थॉटलेस रखना पॉसिबल नहीं है वो दो फिंगर्स को रेज करेंगे क्योंकि जूम में बात करना थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप आपकी फिंगर से मुझे बता देंगे कि आपका आंसर क्या है वन या टू वन यानी कि मैं पंद्रह मिनट तक कंट्रोल कर पाता हूं और टू यानी कि मैं पंद्रह मिनट तक कंट्रोल नहीं कर पाता हूं ओके माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि गुरुदेव जो प्रवचन फरमाते हैं उस प्रवचन को सुनने के बाद दो या तीन घंटे होने के बाद कितने लोग ऐसे हैं जो पूरे प्रवचन को जो भी प्रवचन में सुना उसको वर्ड टू वर्ड याद रख पाते हैं उसके भावों को याद रख पाते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो तीन चार पाँच घंटे बीतने के बाद एक दो दिन बीतने के बाद कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं जो याद रख पाते हैं वो एक उंगली रेस करेंगे और जो भूल जाते हैं कहीं ना कहीं वो दो उंगली रेस करेंगे आपको जो भी है नेचुरली बताना है क्योंकि आपको ही आपका स्वयं का एनालिसिस करना है जितना एनालिसिस पावरफुल होता है उतना ही हम रिजल्ट तक अच्छी तरह पहुंच पाते हैं ओके राइट नाइस ओके थर्ड क्वेश्चन जब भी आपकी लाइफ में आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं आप में से बहुत सारे लोगों ने जब भी आप गुस्सा कर लेते हैं तो आपने अपने माइंड को एक ट्रेनिंग दी होती है आपने आपके माइंड को बताया होता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई सिचुएशन आए तो मुझे मेरी सेल्फ पर कंट्रोल रखना है पर फिर भी जैसे ही परिस्थिति आती है आपका माइंड कंट्रोल में नहीं रहता है और वो गुस्सा कर देता है जितने लोगों का माइंड कंट्रोल में रहता है वो एक उंगली रेस करेंगे और जितनों का माइंड कंट्रोल में नहीं रहता है उनसे गुस्सा हो ही जाता है वो दो उंगली रेस करेंगे ओके ओके राइट नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारी बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशंस अनुकूल आती है और कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें कोई सामने वाला व्यक्ति हमें अनुकूल न हो वैसे प्रतिकूल कार्य को करता है कोई हमारा इंसल्ट कर देता है कोई हमारा अपमान कर देता है कोई ना कोई कोई ना कोई हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करता है और कहीं ना कहीं हमारा इंसल्ट कर देता है तो ऐसी सिचुएशन में आपका मन सबसे पहले पॉजिटिव अप्रोच को लाता है या आपका मन पहले नेगेटिव हो जाता है फिर थोड़ी देर बाद आपके आप आपके मन को समझाकर पॉजिटिव बना लेते हैं ये बात अलग है पर आपका फर्स्ट अप्रोच जिन जिन लोगों का पॉजिटिव होता है वो एक उंगली रेस करेंगे और जिन जिन लोगों का फर्स्ट अप्रोच नेगेटिव होता है पर बाद में चेंज आ जाता है वो दो उंगली रेस करेंगे ओके okay, ओके okay. तो ये चार पांच क्वेश्चन से हमने ये जाना बहुत सारे लोगों की अब आप आपके हिसाब से रिजल्ट क्या आया होगा वन में मेजोरिटी आई होगी या टू में मेजॉरिटी आई होगी क्या लगता है आपको टू में मेजोरिटी आई होगी राइट तो इसका मतलब कि हमारा जो माइंड है वह कहीं ना कहीं उसकी जितनी भी केपेबिलिटीज़ है उन केपेबिलिटीज़ तक जयंश भाई उतनी केपेबिलिटीज़ तक हम हमारा माइंड अभी तक वर्क नहीं कर रहा है और इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस में जो बहुत ही सिंपल बातें थी जिसमें कंसंट्रेशन का उपयोग होता था जिसमें मेमोरी स्टोरेज का उपयोग होता था ऐसे जितने भी क्वालिटीज़ थी जो मन का एक बेसिक फंक्शनिंग होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारा माइंड वह वीक है और इसीलिए हमारे लिए पर्युषण की आराधना ये एक जबरदस्त तक है जिसमें हम हमारे माइंड को ये आराधना करके हम हमारे माइंड को पॉजिटिव बना सकते हैं हम हमारे माइंड की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और इसी प्रकार से कितने लोगों ने सोचा है कि पर्यूषण की आराधना वो हमारे माइंड की एफिशिएंसी को बढ़ा सकती है कभी आपने सोचा इस एंगल से पर्यूषण आता है हम आराधना करते हैं बहुत कुछ करते हैं पर इस एंगल से सोचा है या नहीं सोचा हार्दिक भाई कभी नहीं सोचा राइट और इसीलिए सबसे पहले पर्यूषण की आराधना में सबसे पहला छोटी सी आराधना जो भगवान ने बताई वह है सामायिक की आराधना जैसे ही आपने सामायिक वर्ड सुना तुरंत ही आपके माइंड की में जितनी भी मेमोरीज थी वो बाहर आ गई सामयिक के पाठ बोलने चाहिए 48 मिनट्स के लिए हमें एक पोजिशन में बैठना चाहिए प्रवचन सुनना चाहिए धर्म भावनाएं करनी चाहिए और जैसे ही फोर्टी मिनट्स खत्म हो सामयिक का पाठ बोल के उसको पाल लेना चाहिए पर भगवान ने कहा सामायिक वह समता की आराधना होती है सामायिक में सावज जोग के पछखाण भगवान ने बताया कि सावज्य जोग के पछखाण यानी कि जितनी भी पापकारी एक्टिविटीज हैं जितने भी एक्टिविटीज से कर्म लगते हैं जितनी भी एक्टिविटीज हो हैं वह सारी की सारी एक्टिविटीज से डिस्कनेक्ट हो जाना उसे सामायिक कहा गया है और यदि कोई व्यक्ति सामायिक में यदि सामायिक को श्रेष्ठ बनाना चाहे तो भगवान ने बताया कि ठाणेणम मुड़ेणम और जणेणम यानी कि हमें सामायिक में एक जगह पर स्थिर रहना चाहिए अपने वचनों को मौन कर देना चाहिए और हमारे मन को एकाग्र कर देना चाहिए और इसीलिए सामायिक को यदि श्रेष्ठ बनाना है तो भगवान ने जो किया भगवान ने दीक्षा अंगीकार करके भगवान ने अपनी साधना में एक ही साधना की और वह है ध्यान की साधना और सामायिक में जो व्यक्ति ध्यान की साधना करता है वह व्यक्ति हर चीज से डिस्कनेक्ट हो जाता है जैसे जैसे व्यक्ति ध्यान की आराधना करता जाता है कुछ रिसर्च मैं आपके सामने प्रकट करूंगा कुछ साइंटिफिक रिसर्च में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा थोड़े ही समय पहले फॉर्ब्स मैगजीन में एक आर्टिकल आया था कि मेडिटेशन करने से हमारे माइंड पर उसके क्या असर आते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट उसमें था कि जैसे ही जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है हम सबके ऑर्गन्स जैसे जैसे एज होती जाती है ना वैसे वैसे हमारे ऑर्गन्स डि डिटीरियरेट होना शुरू हो जाता है यानी कि उसमें एजिंग आना शुरू हो जाती है तो ऑर्गन्स उनकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो कहीं ना कहीं उसमें फंक्शनलिटी उनके वर्किंग में रिडक्शन आना शुरू हो जाता है तो जो व्यक्ति गिरीश भाई रोज ध्यान की आराधना करता है तो ऐसा रिसर्च हुआ बहुत सारे लोगों में जो व्यक्ति रोज ध्यान की आराधना करते थे उनके मन का एजिंग यानी कि जो व्यक्ति रोज ध्यान करते थे उनके मन का एजिंग प्रोसेस वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है साइंटिस्ट ने सोचा था रिसर्चर्स ने सोचा था कि इसमें तो कुछ थोड़े बहुत अंशों में हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे पर उन्होंने फील किया कि जो व्यक्ति ध्यान करते थे उसमें एक जबरदस्त चेंज आता है और उसका जो एजिंग प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो हो जाती जिसके कारण कोई व्यक्ति यदि वृद्ध भी हो जाए उसका तन वृद्ध हो जाए पर उसका मन फिर भी 20 साल का ही रहता है उसका मन यंग ही रहता है और वो बहुत सारे कार्यों को बहुत ही आसानी से कर सकता है आप में से बहुत सारे लोग मैं लाइव में देख रहा हूं जो उसमें से बहुत सारे लोग रोज ध्यान की आराधना करते हैं तो जो रोज ध्यान की आराधना करता है उसके मन का ब्रेन एजिंग उसका कम होना शुरू हो जाता है इससे भी आगे रिसर्च में बताया कि जो व्यक्ति रोज ध्यान की आराधना करता है जैसे ही वो व्यक्ति दो वीक या चार वीक उसके ध्यान के क्रॉस होते हैं तुरंत ही हमारे मन का एक डिफॉल्ट नेचर होता है एक डिफॉल्ट मोड होता है जिसको कहते हैं मंकी मोड जिसमें हमारा मन वॉन्डर करता है पास्ट में फ्यूचर में एक विचार दो विचार तीन विचार कंटिन्यूसली एक के बाद एक एक के बाद एक अनेक विचारों को करता ही रहता है करता ही रहता है करता ही रहता है कितने लोगों ने माइंड के इस स्टेट का अनुभव किया है बहुत सारे विचार आते ही रहते हैं आते ही रहते है। कितने लोगों ने अनुभव किया है ओके okay, बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया तो ये अनुभव आपको क्यों हुआ क्योंकि ये अनट्रेनड माइंड में ही अनुभव होता है जो व्यक्ति अपने माइंड को ट्रेन करता है उसका ये डिफॉल्ट मोड जो होता है वह डिक्रीज होना शुरू हो जाता है उसका वॉन्डरिंग यानी कि एक विचार दो विचार तीन विचार ऐसे विचारों में स्विच होना उसका डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और इसीलिए धीरे धीरे उसका कॉन्सेंट्रेशन और उसका अटेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है रिसर्च से पता चला कि जो व्यक्ति सिर्फ दो वीक और चार वीक ही सिर्फ उसने ध्यान की आराधना की दो या चार वीक के बीच में ही उसमें ये चेंज आना शुरू हो गया उसका डिफॉल्ट मोड जो था वॉन्डरिंग का वो कम होने लग गया और उसका कॉन्सेंट्रेशन और उसका अटेंशन यानी कि जागृति ये बढ़ना शुरू हो गया इससे भी आगे इस रिसर्च में बताया था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो मैसेजेस को पास करता है आप में से बहुत सारे लोग साइंस के स्टूडेंट्स भी होंगे उनको पता होगा कि हमारे अंदर में न्यूरॉन्स होते हैं ज्ञान तंतुएँ होती है हमारे पूरे बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं और वो न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं इम्पल्सेज होते हैं मैसेजेस होते हैं उसको ब्रेन तक पहुँचाना और ब्रेन से वापस उसी सिग्नल को जो बॉडी पार्ट तक पहुँचाना है उधर तक पहुँचाना तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके ऊपर में एक कवरिंग होता है वो कवरिंग होता है माइलिन नाम के प्रोटीन का जो व्यक्ति ध्यान की आराधना करता है रिसर्च से ये प्रूव हुआ कि जो व्यक्ति कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली ध्यान करता है उस व्यक्ति में जो माइलिन कंटेंट होता है उसके न्यूरॉन्स के ऊपर का वह माइलिन कंटेंट बढ़ जाता है जिसके कारण जैसे ही माइल एंड कंटेंट बढ़ जाता है उसका जो रिस्पांस टाइम है उसका मैसेजिंग फास्ट होना लगता है और उसका रिस्पांस टाइम कम होने लगता है आपने बहुत लोगों ने सुना होगा देखा होगा कि जो व्यक्ति ध्यान की आराधना करते हैं उसकी इंद्रिया उसकी सेंसेस बहुत ही शार्प हो जाती है क्यों क्योंकि जैसे ही माइल एन कंटेंट बढ़ गया वैसे ही उसके ज्ञान तंतुओं का में जो मैसेजिंग पास होने की सिस्टम थी वो एकदम फास्ट हो जाती है जिसके कारण उसकी इंद्रिया बहुत ही शार्प हो जाती है इसके लिए एक एक बात आती है कि एक बार एक हियरिंग एड की कंपनी थी और उसके टेक्निकल हेड में एक पोस्ट खाली थी और उस कंपनी ने इंटरव्यू के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाया कि टेक्निकल हेड की पोस्ट खाली है तो जिन जिन जो जो इंजीनियर्स इसमें जुड़ना चाहते हैं वो आ सकते हैं और जैसे ही बहुत सारे लोग करीब 500-600 लोग आए उस इंटरव्यू में सुबह नौ बजे का टाइम दिया गया था और सभी लोग इंटरव्यू के लिए आ गए सभी लोगों को एक हॉल में बिठाया गया था एक घंटा पास हुआ दस बज गए इंटरव्यू शुरू नहीं किया दो घंटे पास हो गए इंटरव्यू शुरू नहीं किया पहले एक घंटे में तो सब लोग शांति से बैठे थे पर यदि दो घंटे तीन घंटे आप किसी स्थान में जाओ और जो कार्य के लिए गए हो और वो कार्य न हो तो आप क्या करना शुरू कर देंगे क्या करेंगे पथिक भाई आपके आसपास में 500 लोग हैं तो आप किसी ना किसी से बातें करना शुरू कर देंगे कौन है आप क्या है आप क्या चीज़ है क्यों आए हैं क्या कर क्या किया था पास में बहुत सारी बातें करना हम शुरू कर देते हैं तो वैसे वहां जितने लोग बैठे थे सभी लोगों ने बातों बातें करना शुरू कर दिया और दो घंटे पास हो गए दो बज गए फिर भी किसी को भी बुलाया नहीं गया इंटरव्यू शुरू ही नहीं किया गया सभी लोग जोर ज़ोर से बातें करने लग गए क्योंकि सब एक दूसरे के फ्रेंड हो गए थे सब एक दूसरे को खाना देने लग गए दूसरे काम में लग गए पाँच बजे दरवाज़ा खुला और वहाँ पे जो इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति थे वो बाहर आए और उन्होंने सबको बोला कि हमारा ऑफ़िस टाइम क्लोज़ हो रहा है हमारा इंटरव्यू हो गया है हमने जिसे सिलेक्ट करना था उसे सिलेक्ट कर लिया है अब आप जितने भी लोग हैं वो वापस जा सकते हैं सब लोगों ने सोचा इंटरव्यू हुआ ही नहीं तो सिलेक्ट किसको किया कैसे सिलेक्शन हुआ कौन से आधार पर सिलेक्शन हुआ हम इतने नॉलेजेबल हैं जिग्नेश भाई हमारा तो इंटरव्यू हुआ ही नहीं ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आए जो आपके मन में भी क्वेश्चन आया राइट right? पर उस व्यक्ति ने कहा कि हमने एक अनाउंसमेंट की थी आज से अभी से ठीक दो घंटे पहले दो बजे हमने एक अनाउंसमेंट की थी कि जिसको भी हमारी आवाज़ सुनाई दे एक स्लोली एक अनाउंसमेंट की थी जिसको भी हमारी आवाज़ सुनाई दे उस व्यक्ति को दरवाजे के अंदर आ जाना है जिस व्यक्ति को आवाज सुनाई दे उसको दरवाजे के अंदर आ जाना है और एक व्यक्ति ऐसा था जो दरवाजे के अंदर आया दो घंटे हमने उसका इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू लेने के बाद हमें लगा कि ये पोटेंशियल कैंडिडेट है तो हमने उसका सिलेक्शन कर लिया है तो आप सब लोग जा सकते हैं सभी लोगों के मन में और एक क्वेश्चन था कि हम चले तो जाएंगे पर इतने आवाज़ में हमें आवाज़ सुनाई नहीं दी इस व्यक्ति को आवाज़ कैसे सुनाई दी क्या किया क्या था ऐसा डिफरेंट जिसके कारण वह व्यक्ति को आवाज़ सुनाई दी और फिर पता चला कि वह व्यक्ति रोज़ ध्यान की आराधना करता था रोज़ अपनी लाइफ में ध्यान को प्रैक्टिस करता था मेडिटेशन करता था जिसके कारण उसकी सेंसेस शार्प हो गई थी और छोटा सा भी आवाज़ जैसे ही सुनाई दिया उसने तुरंत उसको सुन लिया उसका माइंड फोकस था कि जैसे ही कुछ आवाज़ आए मुझे पता चले और उसके माइंड ने उस चीज़ को नोटिस कर लिया और उस व्यक्ति को वो जॉब मिल गई इसलिए कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी सेंसेस को सूक्ष्म बनाना कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी सेंसेस को शार्प बनाना आज का युग कॉम्पिटिटिव युग है इस युग में हर एक के पास क्वालिफिकेशन सेम हो सकता है पर बेस्ड ऑन हमारी कितनी कैपेबिलिटीज है उसी के आधार पर व्यक्ति का सिलेक्शन होता है और इसीलिए जो व्यक्ति ध्यान की आराधना रोज करता है उसका माइलिन लेवल बढ़ जाता है और जिसके कारण उसकी सेंसेस शार्प हो जाती है इससे भी आगे रिसर्च में बताया था कि बहुत सारे लोग अभी के समय में ऐसा कहा जाए कि लगभग टू थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन छोटे कम या ज्यादा अंशों में डिप्रेशन नाम की बीमारी से पीड़ित है कहीं ना कहीं किसी ना किसी को डिप्रेशन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को होता ही है तो डिप्रेशन होने का मेन रीज़न है जैसे ही व्यक्ति कोई टेंशन में आ जाता है उसकी बॉडी में से एड्रीनलिन ग्लैंड्स एक हॉर्मोन को सिक्रीट करते हैं जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है वह जैसे ही बढ़ जाता है वैसे तुरंत ही हमारे लाइफ में डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है हमारे मन में डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है हम टेंशन का अनुभव करते हैं जो व्यक्ति रोज ध्यान की आराधना करता है रिजल्ट्स ने बताया रिजल्ट से पता चला कि उस व्यक्ति का कोर्टिसोल लेवल बहुत ही कम होना शुरू हो जाता है कॉर्टिसोल लेवल को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे लोगों को एलोपैथिक डॉक्टर्स बहुत सारी मेडिसिन देते हैं पर जो व्यक्ति ध्यान करता है उसे बिना मेडिसिन के ही उसका कॉर्टिसोल लेवल रिड्यूस होने लगता है और वो व्यक्ति डिप्रेशन में से बाहर निकल जाता है जो व्यक्ति को डिप्रेशन आया ही नहीं है उसे लाइफ में कभी डिप्रेशन आता ही नहीं वह व्यक्ति कभी भी डिप्रेशन का अनुभव करता ही नहीं और इसीलिए ये सारे साइंटिफिक सीक्रेट साइंटिफिक अनुभव बहुत सारे रिसर्च से प्रकट हुए तो जब भी हम इस पर्यूषण में जब भी हमें समय मिले यह पर्यूषण एक पर्यूषण से डिफरेंट है हर एक पर्यूषण में आप उपाश्री जाते थे धर्म स्थानक में जाते थे और वहां जाकर धर्म आराधना करते थे वहां धर्म आराधना तो होती थी पर उसके बाद एक नेगेटिव पॉइंट था जैसे ही धर्म आराधना खत्म होती थी आपका सोशलाइजिंग शुरू हो जाता था कौन आया है कौन गया है बहुत दिन से मिले नहीं थे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है बहुत सारी बातचीत आप करना शुरू कर देते थे जिसके कारण जो भी धर्म आराधना हुई थी उसकी असर को हम कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं पर इस समय कोरोना के कारण एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आपको बाहर जाना नहीं है किसी धर्म स्थानक में जाना नहीं आप जहां पर हैं वहीं पर रहकर अकेले ही आपके फैमिली के साथ ही आपको आराधना करनी है तो जिसके कारण आप जितना चाहें उतने अपनी सामायिक को उतनी धर्म आराधना को ध्यान की आराधना को श्रेष्ठ बनाकर अपनी लाइफ में चेंजेस का अनुभव कर सकते हैं इससे भी आगे यदि हम देखें तो दूसरी धर्म आराधना जो हम पर्यूषण के दिनों में करते हैं वह है प्रतिकमण की आराधना बहुत सारे लोगों को प्रतिकमण सिर्फ एक पाठ लगते हैं कि कोई एक व्यक्ति आया और उसने पाठ बोल लिए और हमने तस्मिच्छा में दुकड़म कर लिया और हमारा प्रतिक्रमण हो गया पर नहीं वास्तव में प्रतिकमण ये हमारी लाइफ में होने वाली जितने भी मिस्टेक्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके उस मिस्टेक को मिस्टेक रूप में मानने की प्रोसेस वह प्रतिकमण है हमारी लाइफ में आई रिपीट जितनी भी मिस्टेक्स होती है उन मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना और उस मिस्टेक को मिस्टेक रूप में मानना उससे प्रतिकमण कहा गया है और जो व्यक्ति प्रतिकमण करता है उस व्यक्ति का होता क्या है आपने कहावत सुनी होगी कि दूध का जला छास भी फूक कर पीता है एक बहुत ही सिंपल सहज कहावत है जो व्यक्ति दूध पी रहा था और दूध उसे गर्म लगा वो नेक्स्ट टाइम छाछ को भी पिएगा तो भी एकदम अलर्ट होकर पिएगा कि गर्म तो नहीं लगेगा पर इस पूरे में हुआ क्या इस पूरे में हुआ ये कि जैसे ही आपको दूध गर्म लगा आपके माइंड ने नोटिस कर लिया कि मेरे से मिस्टेक हो गई थी जल्दी उतावट करने की मेरे से मिस्टेक हो गई थी मैंने तुरंत ही उसको पी लिया तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप छाछ भी पिएंगे नेक्स्ट टाइम जब भी आप दूध पिएंगे तो तुरंत ही आपका माइंड आपको अलर्ट कर देगा और उस चीज़ को आप ब्रेक मार मार कर रोक रोक, रोक र, कर स्टॉप कर करके आप उसको ग्रहण करेंगे और यही सेम टू सेम प्रोसेस हमारे माइंड के साथ प्रतिक्रमण की आराधना में होती है जैसे ही प्रतिक्रमण में यदि आप राइट वे में आपके जितने भी दोष आपसे जितने भी मिस्टेक्स होती है मानो कि गुस्सा हो गया कही न कहीं ना कहीं आपसे अजित हो गई कहीं ना कहीं हिंसा हो गई कहीं आपने झूठ बोल दिया आपकी डे टू डे लाइफ में जितनी भी मिस्टेक्स होती है उसको यदि आप मिस्टेक के रूप में रियलाइज करके आपके मन में इस, इस मेमोरी को सेव कर देंगे कि यह मेरी मिस्टेक है नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए तो आप मार्क कर लीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस मिस्टेक को करने जाएंगे आपका माइंड तुरंत ही आपको अलर्ट कर देगा और आप उस मिस्टेक से बच जाएंगे गुरुदेव की कृपा से जब भी हम प्रतिक्रमण की आराधना करने का अनुभव हुआ रोज प्रतिक्रमण करते हैं रोज हम हमारी होने वाले मिस्टेक को चेक करते हैं मिस्टेक को रियलाइज करते हैं मिस्टेक को मिस्टेक के रूप में मानने लगे तो वैसे वैसे पता चला कि बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी थी जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही हम करने जाते हैं हमारा माइंड तुरंत ही हमें एक अलर्ट मैसेज देता है और तुरंत ही हमें रोक लेता है और इसीलिए इस पर्यूषण को यदि आपको रोबोटिक पर्यूशन न बनाकर रोबोटिक पर्यूशन यानी क्या जब भी प्रतिक्रमण की आराधना करते हैं बहुत सारे लोग सिर्फ पाठों का ही प्रतिक्रमण करते हैं पर हमें इस पर्यूशन में आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जैसे ही प्रतिक्रमण करो उसके पहले प्रभु ने जो प्रतिक्रमण के पाठ बताए हैं उसमें जो जो भावों को बताया है जो जो मिस्टेक्स को बताया है उसके अर्थ को आप पढ़ें उस पर चिंतन करें उस पर मनन करें और अपने अपने सेल्फ को उन मिस्टेक्स के साथ कंपेयर करें और फिर यदि आप प्रतिक्रमण की आराधना करेंगे तो डेफिनेटली आप ये रिजल्ट को पाएंगे कि जैसे ही नेक्स्ट टाइम आप मिस्टेक करेंगे अक्षत भाई आपका मन ही आपको बोल देगा कि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है और इसीलिए भगवान ने सामायिक और प्रतिक्रमण यानी कि डिस्कनेक्शन की प्रोसेस और मिस्टेक रियलाइजेशन की प्रोसेस को एक व्यक्ति की लाइफ में आवश्यक यानी कि रोज करना कंपलसरी और इंपॉर्टेंट बताया है रोज डिस्कनेक्शन की प्रोसेस होनी चाहिए यानी कि ध्यान की आराधना होनी चाहिए और रोज प्रतिक्रमण की भी यानी कि मिस्टेक की, की रियलाइजेशन की आराधना भी होनी चाहिए भगवान ने बताया कि आवश्यक है कंपल्सरी रोज करना चाहिए और जो व्यक्ति रोज करता है वह डेफिनेटली अपनी लाइफ में चेंज को फील कर ही लेता है इससे भी आगे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला कि हम जब भी पर्यूषण आता है तो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में उपवास की आराधना करते हैं बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में फास्टिंग करते हैं तो ये फास्टिंग करते वक्त होता क्या है इस फास्टिंग से हमारे जो पूरे बॉडी का मैकेनिज्म है पूरा जो पूरा जो सिस्टम है उस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये रिसर्च से पता चला और इसी के बाद जैसे ये रिसर्च प्रकट हुआ बहुत सारे डॉक्टर्स पेशेंट्स को फास्टिंग करने के लिए रिकमेंड करने लग गए तो वो रिसर्च था जैसे ही कोई व्यक्ति फास्टिंग करता है उसका एच लेवल एच यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक हार्मोन होता है जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और वो हार्मोन जो वो हार्मोन से होता क्या है हमारा पूरा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है थोड़ा सा बायोलॉजिकल पार्ट है पर यह समझना बहुत ही ज़रूरी है वो हार्मोन से हमारा पूरा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो जाता है वो हार्मोन से हमारे पूरा हमारा पूरा बॉडी सेल्स का बना हुआ होता है और वो सेल्स डेड होते हैं वापस रीजनरेशन होता है डेड होते हैं वापस रीजनरेशन होता है ये प्रोसेस चलती ही रहती है तो जो व्यक्ति का एच जी एच लेवल कम होता है वह व्यक्ति के सेल्स का रीजनरेशन भी कम हो जाता है जिसके कारण आज दुनिया में थोड़े समय पहले सौ साल पहले कैंसर जैसी कोई बीमारी ही नहीं थी पर आज कैंसर इतना सारा क्यों फैल रहा है कोई एडिक्शन नहीं भी कर रहा है फिर भी टोबेको नहीं भी ले रहा है फिर भी उसको कैंसर क्यों हो रहा है क्योंकि सेल्स जैसे ही डेड होते हैं वो डेड सेल्स कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं पर इन्हीं डेड सेल्स का रीजनरेशन डेड सेल्स न बने इसके लिए एच जी एच हॉर्मोन होता है और जिस व्यक्ति का एच जी एच हॉर्मोन डिस्टर्ब होता है वही व्यक्ति के लाइफ में डिजीजेस बार बार आते हैं जिस व्यक्ति का एच जी एच डिस्टर्ब होता है वही व्यक्ति को कैंसर जैसी बीमारी आती है और इससे भी ज़्यादा एच हार्मोन एच हॉर्मोन हमारे ब्रेन के जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उसका वेरेंट है उसका उसका रिपेयरिंग भी एच हार्मोन एच हॉर्मोन से ही होता है और इसीलिए जो व्यक्ति एच डी एच हॉर्मोन को बढ़ाए कैसे कई लोग कई एथलीट्स अपनी अपनी एनर्जी को अपनी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए इंजेक्शन के रूप में एच जी एच हॉर्मोन लेते हैं पर नेचुरली एच जी एच हॉर्मोन ऐसा प्रूव हुआ है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जितने भी रिसर्चर्स थे उन्होंने प्रूव किया कि एच हार्मोन एच हॉर्मोन जैसे ही व्यक्ति फास्टिंग करता है उसका एच डी एच डेवलप होना शुरू हो जाता है और रिसर्च से ये प्रूव हुआ कि जैसे व्यक्ति तीन दिन का फास्टिंग करता है यानी कि हमारे में अट्ठम की आराधना बताई है तीन उपवास तीन दिन का फास्टिंग करता है वैसे ही उसका एच जी एच लेवल थ्री हंड्रेड परसेंट बच जाता है जो व्यक्ति वन वीक तक यानी कि अट्ठाई की, की आराधना हमारे में अट्ठाई की आराधना बताई गई इसके पीछे भी बहुत जबरदस्त साइंस है जो व्यक्ति अट्ठाई की आराधना करता है सात दिन आठ दिन तक फास्टिंग करता है उसके बाद उसका एच जी एच लेवल वन टू फाइव जीरो यानी कि बारह सौ पचास परसेंट उसका एच जी एच लेवल ग्रो हो जाता है और जो व्यक्ति इससे भी ज़्यादा रिसर्च में था जो व्यक्ति इतने उपवास की आराधना नहीं कर सकता है पर यदि वो व्यक्ति इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है यानी कि एवरी डे अपने पूरे दिन में चौबीस घंटे में बारह से सोलह घंटे तक यदि वो फास्टिंग रखता है तो भी उसका एच जी एच लेवल वह टू टाइम्स डबल या ट्रिपल हो ही जाता है और इसीलिए हमारे में भगवान ने चौवियार की श्रेष्ठ आराधना बताई है हमें जो आराधना लगती है वही आराधना हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाती है वही आराधना से हम हमारी बॉडी का रीजनरेशन ग्रोथ भी कर सकते हैं और इसीलिए हमें हमारी लाइफ में फास्टिंग को अवश्य प्रयोग करना चाहिए गुरुदेव ने गुरुदेव बनारस में थे जब बिहार में थे तब बनारस में एक अमेरिकन व्यक्ति आया था गुरुदेव के दर्शन के लिए और उस व्यक्ति ने गुरुदेव से कहा कि मुझे स्पिरिचुअलिटी का अनुभव करना है गुरुदेव ने उन्हें अलग अलग साधनाएं आराधनाएं कराई और उसके साथ साथ में गुरुदेव ने उन्हें फास्टिंग की आराधना भी कराई गुरुदेव ने कहा कि आपको एक दिन के लिए फास्टिंग करना है जो व्यक्ति आया था उसने कहा कि मैंने मेरी लाइफ में कभी भी फास्टिंग किया नहीं है मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट होगा एक भी दिन मैं खाना खाए बिना रह नहीं सकता हूँ पर गुरुदेव ने कहा कि एक बार ट्राई करो आप देखो आपको क्या फील होता है और जैसे उस व्यक्ति ने गुरुदेव की बात को फॉलो किया एक दिन का फास्टिंग किया और जैसे ही दूसरा दिन आया फास्टिंग के दिन रात को उसे बहुत वीकनेस थोड़ा थोड़ा फील हो रहा था पर जैसे ही दूसरा दिन सुबह हुई कि उसने कहा कि मुझे इतना फ्रेश फील हो रहा है मैंने मेरी लाइफ में ऐसी फ्रेशनेस ऐसी अनुभूति ऐसी एनर्जेटिक फीलिंग्स मैंने मेरी लाइफ में कभी की नहीं थी मैं बार बार यहाँ से जाने के बाद एवरी वीक एवरी मंथ मैं फास्टिंग को प्रैक्टिस करूँगा और ऐसी एनर्जी को फील करने का प्रयत्न करूँगा तो इसीलिए फास्टिंग हर किसी के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट होता है और हम इस पर्यूशन की आराधना में फास्टिंग करके हमारे एच लेवल को डेवलप करके हमारे सेल्स को कहीं ना कहीं रीजनरेशन में सपोर्ट करना चाहिए इससे भी आगे बहुत सारी आराधना ऐसी हैं जो साइंटिफिकली प्रूव हो गई है एक अमेरिकन साइंटिस्ट uh, करके एक मैगज़ीन है उस मैगज़ीन में एक रिसर्च आया था कि कन्फेशन यानी कि आलोचना जो व्यक्ति आलोचना करता है तो आलोचना करने से होता क्या है बहुत सारी बार होता ऐसा है कि हम सब हमारी लाइफ में आपने भी अनुभव किया होगा कि इतने सारे थॉट्स इतनी सारी मेमोरीज हमारे अंदर में होती है कि हम ज़्यादा कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं यदि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ हो तो वही बैड मेमरीज बार 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 रिपीट हो हो कर हमें डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है और उस रिसर्च में आया था कि बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि हमारे ब्रेन में एक फॉग आ जाता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम में आए तो हमारा ब्रेन ब्लैंक हो जाता है सॉल्यूशन हमारे पास ही होता है पर ब्रेन फॉग हो जाने के कारण उस सॉल्यूशन को हम देख नहीं पाते हैं तो जो व्यक्ति आलोचना करता है कन्फेशन करता है यानी कि जितनी भी मिस्टेक्स हो गई हो जितनी भी बैड मेमोरीज हो उसको जो व्यक्ति बाहर प्रकट कर देता है वह व्यक्ति का वह व्यक्ति का स्ट्रेस लेवल तुरंत ही कम होना शुरू हो जाता है वह व्यक्ति की स्लीप जो डिस्टर्ब्ड स्लीप हो गई होती है जैसे ही व्यक्ति कन्फेशन करता है आज बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है रात को सोते हैं पर बहुत देर तक नींद आती ही नहीं है उन्हें कुछ ना कुछ बुक रीड करनी पड़ती है उन्हें कुछ ना कुछ टीवी देखना पड़ता है कुछ ना कुछ करके अपनी आंखों को थकाना पड़ता है और फिर ही वो सो पाते हैं पर जो व्यक्ति कन्फेशन कर देता है जो व्यक्ति आलोचना करता है वह व्यक्ति की स्लीप प्रॉपर हो जाती है और इस प्रकार से उस रिसर्च में आया था कि जो व्यक्ति कन्फेशन कर देता है उसका कार्डियोवेस्कुलर फंक्शनिंग यानी कि हार्ट का जो फंक्शनिंग होता है वो भी प्रॉपर होना शुरू हो जाता है और इसीलिए ऐसी ऐसी धर्म आराधनाएं जो हमें पर्यूषण में करनी चाहिए वो सारी की सारी आराधना इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न होते हैं हम जानते नहीं हैं इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं हम जानते नहीं हैं इसलिए हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती है और अजय भाई क्लैरिटी नहीं होने के कारण ही हम उस धर्म आराधना को करते तो हैं धर्म के नाम पर करते हैं श्रद्धा के नाम पर करते हैं पर उस धर्म आराधना में हमारा ट्रस्ट नहीं होने के कारण हमारी क्लैरिटी के कारण ट्रस्ट नहीं होने के कारण जो रिजल्ट हमारी लाइफ में दिखना चाहिए वो रिजल्ट दिखता नहीं है और इसीलिए कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हम तो धर्म आराधना से दूर होते ही जाते हैं पर दूसरे भी हमारी लाइफ में चेंज को ना देखकर वो भी हमारी धर्म आराधनाओं से दूर होना शुरू हो जाते हैं पर जो व्यक्ति धर्म आराधना के रिजल्ट को जानकर यदि राइट वे में उसे प्रैक्टिस करता है तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में तो चेंज आता ही है उसकी लाइफ में चेंज को देखकर उसके आस में जितने भी लोग होते हैं उससे भी वो धर्म आराधना करने में प्रेरणा बढ़ जग जाती है और वह व्यक्ति भी अपनी लाइफ में चेंज लाना शुरू कर देता है तो इन्हीं भावों के साथ इस पर्यूशन में हम रिपीट पर्यूशन ना करके हम हमारी जितनी भी आराधनाएं करें उस आराधना से हमारी बॉडी में क्या-क्या चेंजेस आते हैं उसे फील करने का प्रयत्न करें और फील करके हम इस पर्यूशन को रियल पर्यूशन बनाएं इन्हीं भावनाओं के साथ जन्मों के संग घर से यह पुण्य नया है तब जाके कही से तीर्थंकर भी तुझे नमन करे चाहे चक्रवर्ती हो या गणधर सब आ कर तेरे बल पे तेरी भक्ति से अनुशासन से तेरे अस्तित्व तेरी गरिमा से तेरी आज्ञा से तेरे आगम से बाबा मैं तुझको पाऊ इतनी सी है दिल की आरज़ू बस तेरा मैं बन जाऊँ तेरा गौरव मैं कर पाऊँ इतनी सी है दिल की आरज़ू संस्कृति संस्कार है तू तो, तू तो ही धर्म तीर्थ तो, तो ही मकसद मेरे जीने का मेरी आदम का श्रृंगार है तू तो। जिन शासन मेरी जान है तू मेरी आन है तू मेरी शान है तू मेरा प्राण है तू पहचान है तू मेरे जीवन का अभिमान है तू तो, चुनो पे मर जाओ कुछ तेरे लिए कर जाओ शासन तुझ पे सब कुछ वार मारो तेरा सेवक मैं बन जाऊ तेरा रक्षक मैं बन जाओ मेरा जीवन ये तुझ पे वार मारो जन्म लिया है जिन मुख से तीर्थं भी तुझे न करे चाहे चक्रवर्ती हो या गण आकर तेरी शर लग रहे। जो सिद्ध हुए तेरे बल पे तेरी भक्ति से अनुशासन से तेरे अस्तित्व तेरी गरिमा से तेरी आज्ञा से तेरे आगम से तेरी महिमा हर पल गाऊ हर भव में तुझको पाऊ इतनी सी है दिल की आरज़ू बस तेरा मैं बन जाऊँ तेरा गौरव मैं कर पाऊँ इतनी सी है दिल की आरज़ू <coughs> दानुप्रयोग आप अभी सुन रहे थे आप अभी सुन रहे थे हमारे पूज्य विनम्र जी महाराज साहब को कितना श्रेष्ठ उन्होंने आपको बोध दिया अचानक मैंने परसों को कहा कि शिविर आप लेनी और यही होता है ऐसे सभी नवदीक्षित ऐसे सभी संत संतवर्ग वर्ग अपनी क्षमता को मैंने उनको एक लाइन का भी कोई मैसेज नहीं दिया था मैंने उनको कोई कुछ भी समझा नहीं था कि यह आपको कहना है उन्होंने अपने ही मन से अपने ही भावों से अपने ही विचारों से जो कुछ भी श्रेष्ठ आया उससे व्यक्त किया मैं प्रशंसा नहीं करता लेकिन अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक ये गुड साइन है कि जब कोई व्यक्ति नॉलेजेबल होता है ना जब कोई व्यक्ति रिसर्च करता है जब कोई व्यक्ति चिंतन करता है जब कोई अपने आप में ही जिन शासन की प्रभावना का पुरुषार्थ करता है तभी अगली पीढ़ी को गले उतर जाए एक्सेप्टेंस लेवल इसका बढ़ जाए और धर्म को वो साइंटिफिक दृष्टि से देखने लगे हमारी पिछली पीढ़ी का एक विक पॉइंट था कि हम श्रद्धा के साथ धर्म आराधना करते थे जितना होता था उतना करते थे लेकिन अब जो न्यू जनरेशन आ रहा है ना वो हर साधना के पीछे हर आराधना के पीछे बहु साइंटिफिक रीजन भी ढूंढ लेते हैं और फिर जब वो साधना होती है ना तब अंदर की क्लेरिटी साधना का कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है अंदर की क्लैरिटी साधना के भावों को श्रेष्ठ बना देती है और इसलिए उन्होंने जो कुछ भी कहा ना वो इस रात परिसन महापर्व के आगमन के पहले आप सबके लिए हम सबके लिए एक मैसेज था एक प्रेरणा थी दुप्रयोग हम सब स्वागत में तैयार हैं हम सब ने और आप हम सब स्वागत में तैयार हैं किसके पर्वाधि महापर्व के स्वागत में तैयार हैं और तीर्थंकरों ने यदि ये समय निश्चिंत किया इसके पीछे कुछ न कुछ तो सिक्रेट होता है क्योंकि तीर्थंकरों ने पूरे साल में से यही आठ दिन को पर्व मनाना और आपको नहीं मालूम कि संतों के लिए तो कंपल्सरी मनाना ऐसा आदेश परमात्मा ने में दे दिया प्रभु ने कभी किसी भी साधना के लिए कंपलसरी शब्द यूज नहीं किया लेकिन एक परूषण मनाने के लिए संबसरी की आराधना करने के लिए भगवान ने कंपल्सरी वर्ड यूज किया कि ये फर्जियात साधना है ये आवश्यक साधना है ये कंपल्सरी साधना है और ये हर हर साधक को करनी है इससे ही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं पूरे साल में ये जो दिन होते हैं ये जो प्रयूषण के दिन होते हैं ये जो संबसरी की जो पल होती है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा सिक्रेट है जो हमारे भावों की विशुद्धि में ये काल सपोर्टर बन जाता है ये समय सहायक बन जाता है समय का ये विभाग कहीं ना कहीं हमारी भाव वृद्धि का कारण बन जाता है और मैंने देखा भी ये छोटे छोटे बच्चे उसे कहना भी नहीं पड़ता छोटे छोटे बालक उसे कहना भी नहीं पड़ता कि नहीं तेरे को उठाई करनी है तेरे को ठम करना है तेरे को उपवास करना है तेरे को साधना करनी है वो करने लगते हाँ कभी कभी कोई विनम्रमणि जैसे भी होते हैं कोई मेरे जैसे नम्रमणि जैसे भी होते हैं जिनको कभी कभी प्र्यूषण पसंद नहीं था बस प्र्यूषण आ गए अब मम्मी बोलेगी ये नहीं बनेगा वो नहीं बनेगा खाने में ये नहीं आएगा ये नहीं करने का है। वो नहीं करने का है, वो नहीं करने का लेकिन मैंने एक बात बरोबर समझ है अज्ञानियों के लिए नियम भविष्य की नीति बन जाती है ध्यान में रखना अज्ञानियों के लिए दिया गया नियम यदि वह उसे कर ले तो भविष्य में उसकी नीति बन जाती है ज्ञानियों के लिए नियम नहीं होते और के लिए सिर्फ नीति नहीं होती परवादराज पर महापर्व का जब आगमन होने जा रहा है ना तब हमें दो शब्द पर चिंतन करना है एक होते नियम और एक होती नीति नियम जो दिए जाते हैं जो कहे जाते हैं जो पालने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा दी जाती है और एक होती नीति जो होता है हमारा इनर वॉइस एक होती नीति जो होते हैं हमारे संस्कार एक होती नीति जो हमारी सेल्फ कैरेक्टर प्रोसेस होती है देखो बरोबर मेरे एक एक वर्ड को बरोबर समझने का प्रयत्न करना नियम यह करना है ये नहीं करना है परिवेशन आए हैं, तो आपको हरी सब्जी का उपयोग नहीं करना है और आपको रात्रि भोजन का त्याग करना है यह हो जाता है नियम लेकिन पर्व के अवसर पर तो मैं पूरे साल भर में रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पाता ये मेरी वीकनेस है लेकिन प्रभु के दिन आए हैं प्रभु की आराधना के पलाए हैं मैं पूरे साल भर में आराधना करना चाहता हूं पर लेकिन नहीं हो सकता तो मुझे इन दिनों में तो आराधना करनी ही चाहिए वो हमारा इनर वॉइस आए और हम और हम क्या करें और हम उन उन चीजों का त्याग कर देते हैं एक होता है कि त्याग कराया जाता है और एक होता है कि त्याग हो जाता है एक किसी को सालों से आदत नहीं है और इसलिए उसको इनर क्लीनिंग कोर्स के रूप में ध्यान की प्रैक्टिस कराई जाती है ध्यान की आराधना के लिए प्रेरित किया जाता है ध्यान की आराधना के लिए कोर्स वगैरह नाम देकर उसको प्रेरित किया जाता है कि नहीं आपको करना है और फिर वो करते 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 जब रियलाइज करता है कि नहीं ये तो मुझे बहुत ही बेनिफिट्स देने वाला है ये तो मुझे अनुभव में आ रहा है कि मैं बहुत शांत हो रहा हूं ये करने से तो मेरे में चेंज आ रहा है और फिर वो खुद का रियलाइजेशन होने के बाद परिश्रम तो चले जाते हैं लेकिन परेशन के नियम साल भर की नीति बन जाते हैं यदि हमारा नियम हमारी नीति बन जाए तो मानना कि यश परेशन सार्थक हो गए और, और यदि आठ दिन के नियम और नौवे दिन लगे कि चलो जेल से मुक्ति हो गई क्या हो गई बहुत लोगों को लगता है शाख और हम जब छोटे से गांव में रहते थे ना क्या उस छोटे से गांव में तो सब्जी वाले हमको बोलते थे क्या अरे तुम्हारू आप परीक्षण क्या पूर्व थानु के અરે તમારું પર્યુષણ ચાલુ થી છે ને અમારું અમારા શાકભાજી ની માર્કેટ માં ભાવ ઘટી ગયા છે કેન તો કે ડિમાન્ડ નથી સપ્લાય વધારે છે અને જ્યાં પર સપ્લાય જ્યાદા હોતી હૈ ઓર ડિમાન્ડ કમ હોતી વહા પર રેટ કમ હો જાતે જહા પર ડિમાન્ડ જ્યાદા હોતી સપ્લાય કમ હોતી વહા પર રેટ બડ જાતે તો ઉનોને કહા કે હમારે સબ કે રેટ બહોત કમ હો ગયે હમ લોગ પરેશાન હો ગયે દિવાન પ્રિયો जब भी परिश्रम पूरा होता था हमने देखा था कि नौवे दिन छोटे से लाठी जैसे गांव में उंधिया बनता था क्या बनता था हमारे आसपास वाले हसरे हैं क्यों हसरे क्यों क्योंकि आठ दिन की स्प्रिंग दबी हुई थी और नौवे दिन वो बरबर स्प्रिंग डबल उछल के बाहर आती थी और इसलिए याद रखना है कि नियम कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं, 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 कहीं हमारे मन का प्रेशर यदि बन जाता है तो पर्यशन फेल हो जाते हैं यदि नियम हमारे अंदर की अनुभूति एहसास बन के हमारी आत्मविशुद्धि का एहसास बन जाता है ना तो नियम ही हमारी नीति बन जाती है याद रखो फिर एक बार कहता हूं नियम यदि नीति बन जाए तो प्रवाज रात महापर्व सार्थक हो जाएंगे और नियम नियम के रूप में फोर्स लगने लगे नियम नियम के रूप में प्रेशर लगने लगे नियम नियम के रूप में अपने आप को जेल जैसा फिल कराए तो फिर क्या होगा आफ्टर परिसंहन वापिस वहां के वहां जैसे कितने वैसे ही हो जाएंगे और इसलिए मेरी आपको प्रेरणा है मैंने आज विनम्र मुनि का प्रवचन बहुत अच्छी तरह से सुना और सुनते सुनते मुझे लगा कि नहीं उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रेरणा दी क्योंकि जिस सब्जेक्ट में हमें बेनिफिट्स लगता है ना उसी सब्जेक्ट में फिट हो जाते हैं जिसमें हमें बेनिफिट लगता है ना वहां पे हम फिट हो जाते हैं और जिसमें हमें लगता है इसमें कोई बेनिफिट नहीं है कोई लाभ नहीं है तो फिर हम धीरे 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 उससे दूर हो जाते हैं उन्होंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रवाधिराज पर महापर्व के बेनिफिट्स बताए और साइंटिफिकली जब हम इन सब बातों को सोचते हैं ना तब हमें रियलाइज होता है कि सालों की साधना के बाद यदि हमारे सामने क्लैरिटी नहीं होती है ना तब हम चलते तो हैं साधना के पथ पर चलते तो हैं लेकिन जिस पथ पर चलने की क्लैरिटी ना हो वहाँ पे हमारे पैर स्लो चलते हैं लड़खड़ाते हैं और कभी कभी खड़े हो जाते हैं लेकिन जिस पाथ की हमें क्लैरिटी हो जिस रास्ते की हमें क्लैरिटी हो वहां पे हमारे पैर बहुत स्पीड में चलते हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं और हमें पता होता है कि हम कहाँ पहुंचने वाले हैं वरना हमारा मन कंफ्यूज होता है होगा कि नहीं होगा हम करते रहे लेकिन फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसा हम करते रहे लेकिन इससे क्या होता है मालूम नहीं पड़ता है इतने सालों से करते रहे लेकिन ठीक है कर लो हमारे को भगवान की आज्ञा इसलिए करना चाहिए श्रद्धा से करना और प्रज्ञा से करना ये दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क होता है श्रद्धा हाँ? से करना ही चाहिए लेकिन श्रद्धा प्लस प्रज्ञा श्रद्धा प्लस प्रज्ञा आपके आपकी साधना को श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ बना देती है ले श्रद्धा है चलो हमारा धर्म हमारा जन्म हुआ है हम जय इसलिए हम करते हैं तो श्रद्धा से कर तो लेते लेकिन प्रज्ञा नहीं होने के कारण क्लैरिटी नहीं होने के कारण जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए वो नहीं होता है पधार रहे ना, तब हमें अपनी सेल्फ को बार 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 चेक करना है क्या गुरुदेव नियम देंगे वो हम पालेंगे बहुत लोग मैसेज दे रहे गुरुदेव परिश्रम में क्या करना चाहिए हमें परिश्रम में कैसी आराधना करनी चाहिए तुम्हें कुछ आग्ना भिजवाना किए मैं सोचता हूं कि आठ साल दस साल बारह साल हो गए कब तक हम कब तक हम नियमों को पालेंगे कभी तो हम ऐसा कर दे कि हमारे अंदर का इनर वॉइस बाहर आ जाए नहीं ये तो मेरे कैसे हो सकता है मैं उसको आपके एक एग्जांपल दू कि मानो कि मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था कि कोई चिटी है और चिटी आपको दिख जाती है आपको नियम है इसलिए आप उसके ऊपर पैर नहीं रखोगे कि आपकी नीति है इसलिए आप उसके ऊपर पैर नहीं रखोगे I want आंसर नहीं नहीं मैंने ना चिट्ठी के ऊपर पैर रखने की पछखंड लिए है ना बाधा लिए है ना नियम लिए है ना प्रतिज्ञा लिए ना मैं चिट्ठी के ऊपर पैर नहीं रखूंगा यदि मैंने बाधा नहीं लिया होती ना नहीं नहीं हम कभी ये नहीं सोचते हम कभी ये नहीं सोचते कि नियम लिया है इसलिए नहीं मारना है हमेशा आखली भाव रखते नहीं वो तो मेरे से कैसे हो सकता है वो तो मैं नहीं कर सकता वो तो मेरे से नहीं हो सकता देवानुप्रियो धर्म जब नीति हो जाती है ना तब वह श्रेष्ठ अनुभूति हो जाती है धर्म जब नीति हो जाती है तो श्रेष्ठ अनुभूति हो जाती है धर्म जब नियम होते हैं तो नियम तो पालते हैं करते हैं कर लेते हैं लेकिन लास्ट में कर लिया फिनिश हो गया धर्म कोई काम नहीं है कि काम पूरा हो गया धर्म तो आत्म सेवा है याद रखो क्या कहा मैंने धर्म कोई धर्म कोई काम नहीं है कि चलो दो घंटे का काम पूरा किया धर्म कोई जॉब नहीं है कि चलो सिक्स अवर की जॉब पूरी कर दी धर्म तो आत्म बिजनेस है जिसका जिसका रिजल्ट जिसका बेनिफिट जिसका लाभ किसको मिलने वाला है हमको खुद को ही मिलने वाला है जो प्रियो इस बार प्रभाती राज प्रवेशन महापर्व जब पता रहे हैं और मैंने पहले भी कहा था कि ठाणांग क्षेत्र में दो शब्द आते हैं सबम दुपो यारम पनतम जगत में जो कुछ भी होता है ना उसकी दो साइड होती है समझ लो बराबर -बर, जगत में जो कुछ भी होता है ना उसकी दो साइड होती है नेगेटिव एंड पॉजिटिव यदि हमारे पास विजन होता है ना तो हम खराब से खराब सिचुएशन को भी अच्छी तरह देख सकते हैं और यदि हमारे पास नजर नहीं है दृष्टि नहीं है समझ नहीं है तो हम अच्छी से अच्छी सिचुएशन को भी नेगेटिव रूप में ले सकते हैं मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोरोना ये महामारी की सिचुएशन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है हेलो आपको सिर्फ उंगली बता के कहना है नेगेटिव वाले को एक उंगली खड़ी करनी है और पॉजिटिव वाले को दो उंगली खड़ी करनी है सिर्फ क्योंकि आवाज नहीं आती और हमको तो हमेशा के लिए आदत होती है कि सामने प्रवचन में लोग बैठे होते ना तो हम उनको देख प्रवचन देते इस बार तो बारह बाय बारह रूम में सिर्फ आपके सामने देखकर ही प्रवचन दे रहे हैं मैं आपको फिर एक बार पूछ रहा हूं कि कोरोना की इफेक्ट वन या टू यस बहुत सारे लोगों ने दो उंगली इकट्ठी की दो उंगली बताई और मैं दो का मैंने ये नहीं मानता कि पॉजिटिव मैं दो का मीनिंग ये मानता हूं कि नेगेटिव और पॉजिटिव हेलो मैं दो का मीनिंग मानता हूं नेगेटिव और पॉजिटिव आपने कहा दो पॉजिटिव तो हम एकांत में चले जाएंगे क्योंकि ओनली पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है और भगवान ने कह दिया कि हर सिचुएशन की दो इफेक्ट होती है तो आज इस पेंडेमिक सिचुएशन के बीच में महामारी के समय में पर्वाराज की आराधना करना भी हमारी अंदर की नीति है और प्रवादी राज में साधना आराधना हमारे बहुत सारे नियमों के अनुसार भी होती है मैंने आपको पहले ही कहा कि अज्ञानियों के लिए नियम होते हैं ज्ञानियों के लिए नीति होती है और हमारे समाज में धर्म क्षेत्र के ज्ञान में ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी होते दोनों ही होते हैं और दोनों की अपनी अपनी दृष्टि होती है ज्ञानी की धर्म आराधना अलग दृष्टि से होती है अज्ञानी की धर्म आराधना अलग अलग दृष्टि से होती है लेकिन सूत्र के पांचवें अध्ययन में आता है कि जब कोई गुरु जब कोई वक्ता जब कोई प्रवचनकार प्रवचन देता है तो अज्ञानी को भी ध्यान में लेकर देता है और ज्ञानी को भी ध्यान में लेकर तो प्रभु या गुरु जब आदेश देते ना उपदेश देते ना तब दोनों को में रख देते हैं इस बार पर्वाधिराज पर महापर्व के अवसर पर अब धर्म क्षेत्र में तो एकत्रित होना ज्यादा लोगों का एकत्रित होना संभव नहीं है अनुकूल भी नहीं है और नियम चाहे पचास और सौ लोगों को आने के लिए दिए भी हो लेकिन नीति कहती है कि नहीं किसी को भी किसी के भी द्वारा संक्रमण हो सकता है और संक्रमण की स्थिति को हम देख रहे कि पहले रोज के दो केस आते थे पांच केस आने शुरू हुए हजार केस आने शुरू हुए पांच हजार केस आने शुरू हुए और अब सिक्सटी फोर थाउजेंड केसेस वन डे में आने शुरू हो गए इसका मीनिंग है कि कोरोना और आपको नहीं मालूम इतने लोगों के लोग रोज रोज न्यूज आते गुरुदेव इनकी डेथ हुई है इनकी 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 डेथ 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 हुई 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 और होता है, काल का प्रभाव भी होता है कोरोना की असर भी होती है आयुष्य की स्थिति भी होती है लेकिन मैं हमेशा के लिए मानता हूं कि भगवान ने कहा आयुष्य निमित से टूट सकता है आयुष्य निमित्त से टूट सकता है और इसलिए हम किसी के निमित्त न बन जाए इसकी सावधानी के लिए भी हमें अपने घर में रहकर ही हमें अपने सुरक्षित स्थान में रहकर ही धर्म आराधना करनी यही हमारा परम कर्तव्य है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार की इस कोरोना की स्थिति की सबसे बड़ी पॉजिटिव साइड यह है घर को उपाश्रय बनाना क्या उपाश्रय में जाकर सालों तक धर्म आराधना की है और कोरोना का सबसे बड़ी पॉजिटिव साइड यह है कि मैं मेरे घर को दिरासर बनाओ मैं मेरे घर को उपाश्रय बनाऊ मैं मेरे घर को धर्म स्थान बना दू मैं मेरे घर को परमात्मा का स्थान बना दू और इसलिए इस बार घर बैठे ही ऐसा वातावरण का सर्जन कर दो चलो आठ दिन के लिए तो आठ दिन के लिए भी एक बार तो ट्राई करो फिर लगे आपको कि नहीं ये साल भर लगाएंगे साल भर अच्छा रहेगा तो ठीक है इस बार क्या करना है परवादिराज परेशन महापर्व की आराधना में घर पर रहकर ही हम प्रार्थना करेंगे घर पर रहकर ही हम प्रवचन श्रवण करेंगे घर पर रहकर ही हम प्रतिक्रमण की आराधना करेंगे घर पर रहकर ही हम मंत्र जाप करेंगे और जब घर पर रहकर हम करेंगे तब हम अपने घर को जो भी नाम दिया हो एक बार कहेंगे कि ये प्रभु का घर है एक बार अनुभव करेंगे कि ये प्रभु का घर है और प्रभु को आमंत्रण देंगे कि प्रभु पदारो राज के रूप में आप हमारे घर में विराजमान होकर हमारे घर को मंदिर बना दो हमारे घर को आपका घर बना दो इतने सालों तक मैंने इस घर के ऊपर इसके दस्तावेज के ऊपर इसके पेपर के ऊपर मेरे, मेरे हस्ताक्षर किए थे मेरा नाम लिखा था और मेरा घर ऐसा मैंने मिथ्या अहंकार किया था आज प्रभु इस प्रभाती राज के अवसर पर मैं आपको आमंत्रण देता हूं आठ दिन के लिए पधारो और यदि आपको लगे कि मेरा घर आपके आवास के लिए योग्य है तो मैं मेरे घर को कायम के लिए आपको अर्पण करने के लिए तैयार हूं और फिर मैं फिर मैं रहूंगा इसी घर में लेकिन मैं मानूंगा कि मैं परमात्मा के घर में हूं अपने घर में रहना और तो अधिकार करना और परमात्मा के घर पर रहकर अधिकार को अर्पण कर देना यही होती है पर्युषण प्रवादी राज की फलश्रुति